पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अमेठी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। अमेठी लोकसभा के पहले सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ हुआ। अमेठी का पहला सिटी स्कैन सेंटर तब खुल रहा है जब देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद बार बार विकास रूपी तंज भाजपा पर कसते हैं। आज की ये सिटी स्कैन मशीन राष्ट्र को ये संदेश दे रही है कि कांग्रेस के नेता अपने ही क्षेत्र में विकास करने में विफल हैं। इस विफलता को देखने के बाद देश और प्रदेश की भाजपा सरकार जनता की सेवा में समर्पित है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने यहाँ बहुत काम किया है। राफेल मुद्दे पर बोली स्मृति, सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर बोल चुकी है। देश की संसद में भाजपा ने अपना पक्ष रखा है। राहुल गांधी को सत्य रास नहीं आ रहा है, इसलिए झूठ के सहारे राजनीति कर रहे हैं। उनके लिए ये विषय इतना गंभीर नहीं है, अगर होता तो स्पीकर के ऊपर कागज के टुकड़े ना फेंकते। हमने 2014 में अमेठी से वादा किया था कि राहुल गांधी को हमेशा जनता के दर्शन करवाऊंगी। राहुल गांधी ईद के चांद हैं और 5 साल में सिर्फ एक बार अमेठी आते हैं। राहुल गांधी जब अमेठी आते हैं तो अपना ताशपोशी का ख्वाब लेकर आते हैं। मुंगेरी लाल का सपना देख रहे राहुल गांधी। राम मंदिर पर बोली स्मृति, राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता गतिरोध का काम ना करें। राहुल गांधी ने आज स्पष्ट किया कि रामलला और मंदिर से उनका कोई वास्ता नहीं है। ये वही गांधी परिवार है जिसने न्यायालय में ये एफिडेविट दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनके लोकसभा क्षेत्र में एक सिटी स्कैन मशीन थी, लेकिन भाजपा के सहयोग से आज सिटी स्कैन मशीन लगाई गई। अयोध्या के लोगों को भी पता चला है कि राहुल गांधी के मन में रामलला के प्रति क्या आस्था है। राहुल गांधी के लिए धर्म तब एजेंडा बनता है जब उनके सर पर चुनाव हावी होता है। आज अगर वो करप्शन की बात कर रहे हैं तो पहले ये बता दें कि क्रिश्चियन मिशेल किस इटालियन लेडी और बेटे आर का नाम ले रहे हैं। सभा क्षेत्र का पहला इतिहास में सीटी स्कैन सेंटर का उद्घाटन करने कौन सी मानी जाती थी देश में, जहां पर 15 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद हैं, वहां पर 10 साल यूपीए की सरकार रहने के बावजूद पहला सीटी स्कैन सेंटर तब खुल रहा है जब केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हकीकत बतलाती है कि राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद बार बार विकास रूपी तंज कसते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन आज ये सिटी स्कैन सेंटर अपने आप में एक बार फिर राष्ट्र को इस बात का संकेत और संदेश देती है कि कांग्रेस के नेता अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास करने में विफल हैं, और इस विफलता को देखने के बाद जनता की सेवा में समर्पित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार ने विकास रूपी इस क्षेत्र में कई काम किए हैं। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर बोल चुकी है। देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख चुकी है, तब भी राहुल गांधी को अगर सत्य रास ना आए और वो झूठ के सहारे अपनी राजनीति करना चाहें तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। उनके लिए विषय इतना गंभीर नहीं, अगर होता तो हमारे देश की स्पीकर के चेहरे पर इस प्रकार से कागज फाड़ फाड़ के कांग्रेस के नेता ना उड़ाते। लोकसभा चुनाव चुनाव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव की। हमने 2014 में अमेठी के जनता को आश्वस्त किया था कि वो राहुल गांधी जो ईद का चांद है अमेठी के लिए, वो राहुल गांधी जो अमेठी 5 साल में एक बार आते हैं, उस अमेठी में 2014 में हमने जनता के सम्मुख प्रतिज्ञा की थी कि बार बार राहुल गांधी के दर्शन कराएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि 2019 के आगाज में राहुल गांधी जी दर्शन देने पर विवश हुए अमेठी की जनता को। लेकिन फर्क देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता जब अमेठी में जमीन पर उतरते हैं तो विकास के सिटी स्कैन जैसे सेंटर्स का उद्घाटन भी करते हैं, काम भी करते हैं। राहुल गांधी आते हैं तो अपनी ताजपोशी का ख्वाब लेकर आते हैं। मैम, यहाँ राहुल गांधी पोस्टर पे पोस्टर लगा हुआ है और ये कमलनाथ की छोटो पंपलेट लगा है और ये इसमें सवाल राहुल ये सत्य है कि जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरियों को ना देने की बात करी, तब राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री का खंडन नहीं किया। ये सत्य है
कि राहुल गांधी का जो पोस्टर लगा रहे हैं आज, उनको भी पता है कि राहुल गांधी को महागठबंधन में इस प्रकार का आशीर्वाद ना मायावती से प्राप्त हुआ है, ना अखिलेश से प्राप्त हुआ है, ना ममता से प्राप्त हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी के उस वाक्य को दोहराती हूँ कि राम मंदिर के मसले पर कांग्रेस के नेता गतिरोध पैदा ना करें। राहुल गांधी ने आज स्पष्ट किया कि राम लल्ला से उनका कोई वास्ता नहीं, मंदिर से उनका कोई वास्ता नहीं। देश की जनता को राहुल गांधी के वक्तव्य से बिल्कुल अचंभित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वही गांधी परिवार है जिसने एक न्यायालय में ये एफिडेविट दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राहुल गांधी ने डेवलपमेंट की बात की, आज उनके लोकसभा क्षेत्र में देश में पूरे देश की जनता देख रही है पहली बार एक अस्पताल में सीटी स्कैन का उपलब्ध होना, वो भी राहुल गांधी के हाथों नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, भाजपा के सहयोग से। ये बताता है कि राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास करने में कितने विफल हैं। और यहाँ से 60 किलोमीटर दूर अयोध्या नगरी है, वहाँ की जनता को भी पता चला है आज राहुल गांधी के मुख से कि राम लल्ला के प्रति उनके मन में क्या आस्था है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2019 का एजेंडा ही नहीं है राम मंदिर, 29 का एजेंडा राहुल गांधी का एजेंडा धर्म तब होता है जब धर्म के उस तवे पर उनको राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर प्रदान किया जाता है। राहुल गांधी के लिए धर्म तब एजेंडा बनता है जब उनके सर पर चुनाव हावी होता है। आज अगर वो करप्शन की बातें करते हैं तो पहले ये तो बता दें कि क्रिश्चियन मिशेल किस इटालियन लेडी और बेटे आर का नाम ले रहे हैं, सबसे पहले उसका जवाब दे दे देश की जनता को, तब आगे की बात होगी।